पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में पहली बार अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित किया गया। 16 से 21 मई तक रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर एवं सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में खेली जा रही चैंपियनशिप का शुभारंभ 16 मई को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में प्रातः मुख्य अतिथि अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ योगेश मोहन ने किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि ने उद्घाटन मैच खेलने वाली मध्य रेलवे एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे की टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ श्री योगेश मोहन ने कहा कि क्रिकेट हमारे देश में एक जुनून है जिसे आम लोगों द्वारा भी बहुत पसंद किया जाता है। इस टूर्नामेंट में प्रतिभागी टीमों में रणजी ट्रॉफी एवं आईपीएल खेले हुए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ ही अनेक उदयमान खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिससे इस टूर्नामेंट में टीमों के मध्य बहुत कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में खेल भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। महासचिव पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि भारतीय रेल की शीर्ष 8 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं जिसमें अनुभवी तेजतर्रार खिलाड़ियों के साथ उदयमान खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के नवीनीकरण के बाद यहां पहली बार इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि प्रतियोगिता में खेल की भावना के साथ भाग लें और अच्छा प्रदर्शन करें। उन्होंने क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उद्घाटन मैच मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने कड़े मुकाबले में मध्य रेलवे को मैच के अंतिम गेंद पर 1 रन बनाकर 1 विकेट से हराकर एवं सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर खेले गए एक अन्य मैच में पश्चिम रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे को 104 रन के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में मध्य रेलवे एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के बीच 40 ओवरों का क्वार्टर फाइनल मैच में मध्य रेलवे के कप्तान अमित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मध्य रेलवे के प्रवीण ने 85 गेंदों पर 11 चौकों एवं 1 छक्के की सहायता से सर्वाधिक 92 रन बनाए जो कि रजत की गेंद पर कैच आउट हुए। नीलकंठ ने 47 गेंदों पर 4 चौकों एवं 1 छक्के के सहयोग से शानदार 45 रन बनाए। सचिन कटारिया ने 26 गेंदों पर 10 रन, विनीत ढाका ने 3 चौकों की मदद से 23 रन, मनीष राव 1 छक्के की मदद से नाबाद 14 रन, सागर ने 1 चौके की मदद से 14 रन तथा औसाद बिना रन बनाए नाबाद रहे। 4 खिलाड़ी दहाई की संख्या में नहीं पहुंच सके। गेंदबाजी करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे निशांत राय ने 5 ओवरों में 35 रन देकर 1 विकेट, शिवम दीक्षित ने 8 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट, रजत ने 8 ओवरों में 32 रन देकर 3 विकेट, सौरभ ने 3 ओवरों में 21 रन देकर 2 विकेट लिया। इस प्रकार मध्य रेलवे ने निर्धारित 40 ओवरों में 9 विकेट खोकर कुल 217 रन बनाए। 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूर्वोत्तर रेलवे की अन्नू ने 31 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 21 रन, सौरभ दुबे ने 19 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 12 रन, उपेंद्र यादव ने 28 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 31 रन, प्रशांत अवस्थी ने 27 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 23 रन, युवराज सिंह ने 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन तथा शुभम चौबे ने अपनी शानदार पारी में 1 चौके एवं 3 छक्के की मदद से नाबाद 62 रन एवं निशांत राय ने 44 गेंदों पर 3 चौके एवं 1 छक्के की मदद से शानदार 45 रनों का योगदान दिया। मध्य रेलवे के गेंदबाज सागर ने 7 ओवरों में 47 रन देकर 1 विकेट, मनीष राव ने 7 ओवरों में 39 रन देकर 1 विकेट, सलील ने 8 ओवरों में 44 रन देकर 1 विकेट, औसफ ने 8 ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट तथा विनीत ने 5 ओवरों में 19 रन देकर 1 विकेट लिया। इस प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे ने रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर के मैदान पर खेले गए एक अन्य मैच पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे के बीच खेला गया जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे ने टॉस जीतकर पश्चिम रेलवे को पहले बल्लेबाजी करने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए पश्चिम रेलवे के मृणाल देवधर ने 46 गेंदों पर 9 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से सर्वाधिक 75 रन, समरथ ने 34 गेंदों पर 6 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से शानदार 44 रन, ओम जायसवाल ने 16 गेंदों पर
3 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से 30 रन तथा विनायक ने 24 गेंदों पर 1 चौके एवं 1 छक्के की मदद से 25 रनों का योगदान दिया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी रेलवे के असद पठान ने 19, सौरभ ने 16, आर टेलर ने 10 रन अपनी टीम के लिए बनाए। गेंदबाजी करते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के चंद्रकांत ने 5.5 ओवरों में 60 रन देकर 2 विकेट तथा सनी भटनागर ने 8 ओवरों में 48 रन देकर 2 विकेट के अतिरिक्त आदर्श सिंह, सुशील कुमार, अयन चौधरी तथा आशुतोष शर्मा ने 1-1 विकेट प्राप्त किया। 232 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी पश्चिम मध्य रेलवे की टीम 26.4 ओवरों में मात्र 152 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें आशुतोष शर्मा ने 47 गेंदों पर 4 चौकों एवं 3 छक्कों की मदद से 36 रन, अंकुश सिंह ने 16 गेंदों पर 4 चौकों एवं 3 छक्कों की मदद से 35 रन तथा अयन चौधरी ने 40 गेंदों पर 2 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से 29 रनों का योगदान दिया। अन्य कोई भी खिलाड़ी दहाई की संख्या में नहीं पहुंच सका। पश्चिम रेलवे के गेंदबाज ओम जायसवाल ने 5 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट, हितेश ने 5.5 ओवरों में 19 रन देकर 3 विकेट, मंजुल ने 4 ओवरों में 21 रन देकर 2 विकेट तथा विनायक ने 7 ओवरों में 40 रन देकर 2 विकेट लिया। इस प्रकार पश्चिम रेलवे 104 रनों से विजयी हुई। 17 मई को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथा सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर, मेट्रो रेलवे एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच खेला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, पिछले वर्ष जब इस पवेलियन का उद्घाटन किया गया था तो तभी से यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पे एक बड़े स्तर का टूर्नामेंट होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रयास किया कि यहाँ एटलीस्ट इंटर रेलवे टूर्नामेंट को आयोजित किया जा सके। अभी नॉकआउट टूर्नामेंट ये जो चल रहा है, इसमें पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे कर रहा है और इसमें भारतीय रेलवे की कुल 8 जो बेस्ट टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें अलग अलग स्थानों पे 4 जगहों पे लीग मैचेस हुए, उसमें जो टीमें विजयी हुई वो टीमें यहाँ पर आई हैं और आज इसका उद्घाटन सुबह किया गया और इनॉग्रल मैच अभी चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेंट्रल रेलवे वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। पहले आज सेंट्रल रेलवे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। कुल उन्होंने 217 रन स्कोर किए, 40-40 ओवर के मैच हैं ये टोटल। जैसा कि मैंने बताया 8 टीमें हैं, 4 क्वार्टर फाइनल मैचेस होंगे, इसमें 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 1 थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा। गोरखपुर में 2 ग्राउंड है जहाँ ये मैचेस चल रहे हैं, एक तो रेलवे का क्रिकेट ग्राउंड और दूसरा सेंट एंड्रयूज क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जा रहे हैं, 2 कल खेले जाएंगे, बीच में एक दिन का यानी कि 18 तारीख का रेस्ट दिया हुआ है। 19 तारीख को फिर सेमीफाइनल्स दोनों खेले जाएंगे और 20 तारीख को थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा और 21 तारीख को इसका फाइनल होगा और शाम को 21 तारीख की इसका समापन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर होगा, रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। पूरी तरह ग्रीन, जिस तरह से ग्रीन फील्ड बनाया गया है, किसी भी अच्छे से अच्छे क्रिकेट ग्राउंड की तरह जो सुविधाएं यहाँ पे बेस्ट होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। इन मैचेस के लिए
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, जो अंपायर्स हैं, उन लोगों को आईपीएल और रणजी मैचेस में भी अंपायरिंग करने का अनुभव है, उन लोगों के भी विचार आप लोग यहाँ पर लें, उनसे भी बात करें। जो प्लेयर्स आए हुए हैं अलग अलग स्थानों से, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग उनकी बाइट्स लें, जिससे कि गोरखपुर में जो क्रिकेट का ये टूर्नामेंट चल रहा है, इस ये मैसेज काफ़ी आगे तक जा सके और आने वाले समय में हम लोग और बड़े टूर्नामेंट गोरखपुर में आयोजित करा सकें।